मेकिंग बैम्बू बास्केट यानी कि बैम्बू की टोकरी बनाना। बहुत सारे संस्कृतियों, सामग्री की उपलब्धता, निर्माण की तकनीक और टोकरी निर्माता की रचनात्मक के प्रभाव के कारण बाजार में टोकरी की बहुत विविधता मौजूद है। बहुत सारे प्राधिकारी ने मान लिया है कि टोकरी की बुनाई की मुख्य रूप से तीन प्रकार है, जिसके अंतर्गत टोकरियों के विभिन्न रूप और शैलियां हैं। कॉयलेट यानी कि कुंडलित बुनाई, इस बुनाई की टेक्निक में एक लचीले और मजबूत धागे की मदद से सुइयों के समूह और धागों को एक साथ सिल दिया जाता है एक गोल या अंडाकार आकार में। ट्विनिंग बुनाई, ट्विनिंग बुनाई में बैम्बू स्लीवर्स को ऊपर की ओर किया जाता है और दो या दो से अधिक लचीले रेशे इन स्लीवर्स को चारों ओर से गुजारी जाती है। बुनाई और घुटना, बुनाई या घुटना की पट्टियों का इस्तेमाल से होती है जो कि किसी भी टोकरी बुनाई में एक अहम भूमिका निभाती है। टोकरी बनाने की प्रक्रिया, अब हम जानेंगे कि टोकरी किस प्रकार बनाई जाती है। टोकरी का बेस बनाएं। सबसे पहले आपको टोकरी का बेस बनाना होगा। बैम्बू के स्लीवर्स को मोड़े, एक केंद्र को विभाजित करें, टोकरी को बुने, आधार को फूट करें, वीविंग करें, बेस को पैक करें, टोकरी के ऊपरी भाग को बुने, टोकरी को ट्रिम करें और रिब बनाएं। देखिए, इस प्रकार आप एक अच्छी टोकरी बनाना सीख जाएंगे और आप अपने लिए बहुत सारी टोकरियां बना पाएंगे। धन्यवाद।